हाय गाइस, आई एम मोना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉन्स बीबी क्रीम के बारे में। मैं इसका कोई रिव्यू शेयर नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप पॉन्स बीबी क्रीम को कौन से 5 वे में किस तरह से अपने फेस के पूरे मेकअप को कंप्लीट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मेकअप में नॉर्मली हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, प्राइमर, कंसीलर वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़, लेकिन सिर्फ पॉन्स का बीबी क्रीम आपको मैं यूज़ करके बताऊंगी कि आपको अपना मेकअप कैसे फ्लॉलेस कर सकते हैं, एक नेचुरल सा ग्लो कैसे ला सकते हैं। एंड ये मेकअप लोग कॉलेज जाने के लिए भी आप कैरी कर सकते हैं, ऑफिस जाने के लिए भी कैरी कर सकते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन में जाना हो, पार्टी में जाना हो, तब भी आप पॉन्स बीबी क्रीम को यूज़ करके एक अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा कवरेज देगा, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पॉन्स वालों ने एक और गुड न्यूज़ दिया है हमें। पहले क्या होता था ना, इसका बस एक ही शेड अवेलेबल था, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करता था कि डीपर स्किन टोन वालों के लिए, मतलब कभी लाइट हो जाता था, कभी डार्क हो जाता किसके लिए। लेकिन पॉन्स वालों ने एक और गुड न्यूज़ ये दे दिया है कि इसका 2 शेड उन्होंने लॉन्च किया अभी, 01 एंड 02। 01 जो है ओरिजिनल, ये लाइट टू मीडियम स्किन टोन के लिए है, एंड जो कि 02 मीडियम है, वो मीडियम टू डीपर स्किन टोन वालों के लिए। तो आप अपने हिसाब से अभी इजीली शेड अपना चूज कर सकते हैं, एंड डेली वेयर में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन हमें नॉर्मली डेली वेयर में यूज़ नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा हार्म कर देता है अगर हम डेली इसे यूज़ करते हैं। सो ये बेबी क्रीम बहुत ही अच्छा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि इसमें सन प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा, SPF 30 है इसमें, ये आपके स्किन को इंस्टेंट ग्लो करेगा, ब्राइट दिखाता है, फ्रेश दिखाता है, काफ़ी ग्लोइंग दिखाता है, एंड थोड़ा सा फेयरनेस भी देता है। अगर आपके स्किन में थोड़ा सा स्पॉट है तो वो भी करेक्ट करता है, एंड एक इवन स्किन टोन बना देता है। सो ये काफ़ी वे में बहुत ही अच्छा है, एंड ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को यूज़ करना इसे पसंद है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, उसके पास जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दीजिए, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है पॉन्स का बीबी क्रीम, एंड इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगी, एज इट इज़ हमें इसे यूज़ करना है, जैसे कि ये बीबी क्रीम की तरह, मतलब फाउंडेशन हम डेली वेयर में नहीं यूज़ कर सकते, तो इसे हमें इसे थोड़ा सा ले लूँगी यहाँ पे, बस है ना इतना, एंड अपने फेस के बस हाफ में अप्लाई करूँगी पहले इसे। इसे आपको कोई भी ब्रश के साथ या फिर ब्यूटी ब्लेंडर या फिर अपने फिंगर के साथ भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। ये आपके स्किन को इवन टोन करने में हेल्प करता है, इंस्टेंट ब्राइट दिखाता है, अगर कोई थोड़ा सा भी स्पॉट होता है तो उससे भी क्लियर करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। सो डेली वेयर के लिए परफेक्ट रहता है ये बीबी क्रीम, आप ऐसे में ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसे। अगर आपके पास कोई प्राइमर नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, तो फिर आप एवरेज जेल एंड पॉन्स का बीबी क्रीम को मिला के भी प्राइमर की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड ये बहुत ही अच्छा सा काम करेगा। एलोवेरा जेल आपके स्किन में प्राइमर की तरह काम करेगा, अगर हम इसमें पॉन्स बीबी क्रीम थोड़ा सा मिला लेते हैं तो थोड़ा सा कवरेज भी आएगा, एंड अगर उसके ऊपर हम फिर से बीबी क्रीम अप्लाई करते हैं तो एक फुल कवरेज की तरह वो आपके फेस पे काम करेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप, बस 1-2 ड्रॉप आपको एलोवेरा जेल चाहिए, आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर पतंजलि का लिया है। इसके बाद आपको बीबी क्रीम इसमें मिलाना है, वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको मिलाना है, एंड दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और अपने पूरे फेस पे इसे एज अ प्राइमर अप्लाई करना है, एंड इसे आपको अपने फिंगर के हेल्प से ही ब्लेंड करना है, जैसे कि हम नॉर्मल प्राइमर को ब्लेंड करते हैं, एंड स्पेशली हमारे टी जोन में, जहाँ की सबसे ज़्यादा हमारा ऑयली हो जाता है वो वाला प्लेस, तो वहाँ पे फोकस करके आप इसे अप्लाई कीजिए, एंड उसके बाद अपने पूरे फेस पे इसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। इसे आप अपने आईलीज पे भी एज ए आई प्राइमर इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, एंड ये थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी देगा आप हमारे स्किन को। जैसे कि मैंने इसे एज अ प्राइमर अप्लाई कर लिया है, तो मेरा स्किन अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, एंड हमें ऑलरेडी पता है कि प्राइमर की तरह हम एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हैं, एंड स्किन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है अभी, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा बीबी क्रीम मिक्स कर लिया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा कवरेज भी मिल गया है। सो इसके ऊपर अगर हम अगेन बीबी क्रीम थोड़ा सा अप्लाई करते हैं तो इसे बहुत ही अच्छे से कवरेज भी मिल जाता है। तो अगर हम कहीं पर पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, अगर आपको ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करना नहीं अच्छा लगता है, तो आप ये वाला हैक भी ट्राई कर सकते हैं। इसे आप एज अ कंसीलर
भी ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे डायरेक्टली अपने अंडर आइज पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेके उसमें थोड़ा सा बीबी क्रीम मिक्स करते हैं और उसके बाद इसे एज ए कंसीलर अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो इससे एक अच्छा सा फुल कवरेज हमें मिलता है एंड पूरी तरीके से हमारे डार्क सर्कल्स वहाँ पर हाइड हो जाते हैं। तो देखिए मैं अभी अप्लाई करूँगी, मेरे आइज़ में कितने सारे डार्क सर्कल्स आपको दिख रहे होंगे अभी एंड थोड़ा सा टाइट भी दिख रहा होगा, एकदम से ये सब क्लियर हो जाएगा एंड एक बहुत ही नेचुरल सा कवरेज मिलता है। आई थिंक फुल कवरेज आपको मिलेगा, सो आप इसे डेली वेयर में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपके फेस में कोई स्पॉट है तो उसे क्लियर करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से उसे हाइड कर देगा। उसके बाद आप कोई भी कॉम्पैक्ट लेके अगर आप पूरे बेस को सेट करते हैं तो ये मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि हमने इसे एज अ प्राइमर, एज अ कंसीलर एंड एज अ फाउंडेशन की तरह इस बीबी क्रीम को भी यूज़ किया है। सो ये बहुत ही अच्छे से कवरेज देगा, आप देख सकते हैं कैसे चेंज हो गया इंस्टेंटली फेस में लुक एंड एक अच्छा सा ग्लो देगा। अगर आप कोई लाइट शेड यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई लाइट शेड नहीं है तो आप यही बीबी क्रीम को थोड़ा सा अपने लिप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड इसे क्या होगा, दो चीज़ में ये आपको हेल्प करेगा, ये आपके डार्क लिप शेड को थोड़ा सा लाइट करने में हेल्प करेगा एंड ये आपके लिपस्टिक को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करने में हेल्प करेगा एंड ये मैंने बहुत बार ट्राई किया है गाइस, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस हैक को, ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। मैं यहाँ पे लैक्मे का लिप शेड यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा टिंटेड है एंड ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा अगर आप ऐसे यूज़ करते हैं एंड देखिए इसका जो नेचुरल शेड है अप्लाई करने के बाद ये थोड़ा सा कितना ज़्यादा लाइट होकर अप्लाई हो रहा है, तो आप ज़रूर इस हैक को ट्राई कीजिएगा। सो ड्राई स्किन वालों के लिए लास्ट है कि अगर आपका स्किन ड्राई है एंड आप चाहते हैं पॉन्स बीबी क्रीम को यूज़ करना तो आप ले सकते हैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, मैंने यहाँ पे निविया का लिया है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कीजिए। उसमें आपको मिलाना है थोड़ा सा पॉन्स का बीबी क्रीम एंड इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद इसे अपने फेस में अच्छे से अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा, ये तो एक तो आपके फेस में बहुत ही अच्छा सा कवरेज दे देगा, उसके बाद क्योंकि हमने इसमें मॉइस्चराइजर मिलाया है एंड ऑलरेडी आपने प्राइमर लगाया है जो कि एलोवेरा था एंड उसमें भी थोड़ा सा मॉइस्चराइजर था, तो ये दोनों मिलके आपके फेस में बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे एंड अच्छा सा कवरेज देगा, आपका स्किन ज़्यादा खिंचा खिंचा भी नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से आप अपने फेस में ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा कि नहीं, ये हैक्स मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर।